हजरते वाला के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि हजरत की तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। हजरत बनकर नहीं आते थे, शोहर बनकर आते थे, बच्चों के लिए बाप बनकर। हजरत आयशा से किसी ने पूछा कि हुजूर घर में कैसे रहते थे, पापा ने कहा बशरा बशरा, हुजूर घर में एक इंसान बनकर। घर को अच्छा बनाना है तो बीवियों के लिए शोहर बनकर, एक बना मोहब्बत। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया सिर्फ मोहब्बत करना काफी नहीं है, मोहब्बत का इजहार करो, माँ बाप से इबादत का इजहार करो, उनके पास बैठो, उनके मदद पैर दबाओ, उनके पूछो, उनके भक्तों के साथ गुजारो, उनसे इबादत का इजहार करो और बीवी से मोहब्बत का इजहार करो। उसको बताओ कि मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत, बार बार बताओ कि मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत। उसकी नफसियाती मुराद है, मर्द का इजहार मोहम्मद जबान से होता है, औरत का इजहार अमल से होता है। औरत से सीखा हो ये सभी चीज को जबान से इजहार करेगी, और जबान से इजहार नहीं करती वो अमल से इजहार करती है, और मर्द को जबान से इजहार करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने अहबाब के मुताबिक से मोहब्बत का इजहार किया है, और बार बार इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मौके पर दुआ दे, अजीब बात है, फरमा दे रहे बारकल्लाहु लहुमा, अल्लाह तो दोनों को खूब बरकत दे, रिश्ते में भी बरकत हो, रोजी में भी बरकत हो, औलाद में भी बरकत हो, मोहब्बत में भी बरकत हो, जमा बैनहुमा बिल खैर, और अल्लाह तुम्हारे रिश्ते को सलामत रखे। ये रिश्ते की सलामती बहुत अहम चीज है, खुदा ना खास्ता मियां बीवी में कोई दरार पैदा हो तो दो खानदानों में झगड़े होते हैं, और अगर मियां बीवी मिल करके रहे तो दो खानदान मिल करके रहे। दोनों को हमेशा की बात याद रखना चाहिए, हमारी वजह से दो खानदानों का मिला। और हमारे हजरत मीर साहब का बताते हैं, वो फरमाते हैं कि मियां बीवी बहुत मोहब्बत के साथ आपस में वसीयत कर लेंगे, देखो भाई हमें दोनों खानदानों को जोड़ करके रखना है, और उसका आसान तरीका ये शोहर कहे तुम्हारे घर वालों की इज्जत करना मेरा काम, मेरे घर वालों की इज्जत करना तुम्हारा, मैं तुम्हारे घर वालों को भरपूर इज्जत दूँ जैसे मैं अपने माँ बाप की इज्जत करता हूँ, और तुम मेरे घर वालों को भरपूर इज्जत दो जैसे तुम अपने माँ बाप की इज्जत करते हो। तो दो घरानों का मसला है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ इसलिए देते हैं कि हो गया एक मरतबा रिश्ता, अब अल्लाह करे कि हमेशा के लिए हो, दुनिया में भी बाकी रहे, आखिरत में भी बाकी रहे, और जन्नत में भी दोनों साथ रहे। आप ये दुआ देते हैं, निकाह के मौके पर लोग एक दूसरे को तोहफे देते हैं, मैं मना नहीं करता,